आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक यूनिक स्टाइल की बहुत ही जबरदस्त आसान और चटपटी रेसिपी, जो आपके घर के में रखे हुए उपलब्ध सामान से आप कभी भी बना सकते हैं। और एक बार बनाइए और पूरे महीने भर खाते रहिए। आप इसे पूरे महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन चाहे तब आप निकाल करके 5 मिनट में अपना नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक पीस तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। बाहर से जितना ये क्रिस्पी है अंदर से उतना ही जूसी बनता है। और सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि आप इसको एक महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पर ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है यहाँ पर 1 कप बेसन। जिस नाप से आप बेसन लेंगे उसी कप से हमें यहाँ पर सूजी भी लेना है। तो जिस कप से आप बेसन ले रहे हैं उसी कप से यहाँ पर 1 कप सूजी लेना है। नमक रहेगा स्वाद अनुसार। 2 पिंच मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं हल्दी पाउडर। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार, जिससे बेसन सूजी और मसाला जो भी है सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं यहाँ पर। अब हम इसमें पानी डाल करके इसका पतला सा घोल बनाएंगे। इतना पतला बनाना है जैसे बटर मिल्क होता है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर पानी डाल करके इसका एकदम पतला सा घोल बना कर तैयार करना है। अच्छे से इसको अच्छे से घोल लेना है जिससे इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे। आप देख सकते हैं एकदम पतला सा घोल बन करके तैयार हो चुका है यहाँ पर। आपको इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा से गाढ़ा नहीं रखना। तो मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। एकदम पतली कंसिस्टेंसी रखनी है, आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको इसके रखना है। यहाँ पर हमारा घोल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें बेसन और सूजी पड़ा है। जब हम इसे पकाएंगे तो सूजी और बेसन की जो टेंडेंसी होती है वो पानी एब्जॉर्ब करने की होती है, इसलिए हमें पानी यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में रखना है जिससे बेसन और सूजी भी अच्छे से यहाँ पर पक जाए। तो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है 1 टेबल स्पून ऑयल पैन पे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो मैंने 1/2 चम्मच यहाँ पर अजवाइन यूज़ किया है और 1 पिंच डाली हुई है यहाँ पर हींग। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे यहाँ पर और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। 1 चम्मच डाला हुआ है यहाँ पर ग्रेट करा अदरक और 1 चम्मच डाला हुआ है यहाँ पर ग्रेट करा हुआ लहसुन। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको टेस्ट पसंद है लहसुन का तो आप डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड्स के लिए अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर जो हमने सूजी और बेसन का घोल बना करके रखा था उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर हमारा लहसुन और अदरक भी अच्छे से भुन चुका है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और घोल को धीरे धीरे करके यहाँ पर डाल देंगे। हमको इसको पकाना है, बहुत बढ़िया तरीके से पकाना है और लो फ्लेम पे आप इसको भूनते रहिएगा। तो यहाँ पर मेरी जो वीडियो क्लिप है वो डिलीट हो गई थी, तो मैंने इसको 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकाया था और उसके बाद यहाँ पर एक डोसा तैयार हो गया है। तो वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है बाउल पे। अब यहाँ पर डाला हुआ है 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। क्रश करी हुई यहाँ पर डाली हुई है मैंने साबुत धनिया। 1/2 चम्मच डाला हुआ है चाट मसाला। 1/4 टेबल स्पून डाला हुआ है यहाँ पर गरम मसाला और 1 चम्मच डाला हुआ है चिली फ्लेक्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सब्जियों में मेरे पास जो सब्जियाँ पड़ी थी वही मैंने बारीक कट करके रखी हुई है। धनिया पत्ता, थोड़ा सा प्याज और 2 कलर की कैप्सिकम है और थोड़ा सा हरी मिर्च है। सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐड। सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी की, अपनी चॉइस की ले सकते हैं। आपके घर पर जो भी पसंद है आपको सब्जियाँ, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सब्जियां आपको पसंद नहीं है यहाँ पर तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, उसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। सारी
चीज़ें यहाँ पर डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा नींबू का जूस डाल रही हूँ, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया टैंगी फ्लेवर आएगा और खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पर आधा नींबू का इस्तेमाल किया हुआ है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पर हाथों की हेल्प से यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मिक्स करने के बाद एकदम डोसा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे हम इसके रोज़ बना सके हैं, यहाँ पर टिक्का बना सकें। तो मैंने इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं छोटे छोटे यहाँ पर से बॉल्स बनाऊंगी। जैसी आपको यहाँ पर पसंद है आप उसी हिसाब से शेप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स उठाए हैं और इसका टिक्का तरीके का बना करके तैयार किया है। हाथों की हेल्प से आपको पहले से रोल कर लेना है और प्रेस कर करके इसे साइड से इसकी एजेस को दबाते हुए हमें टिक्के का शेप देना है। इसी तरीके से मैं दूसरा टिक्का भी बना करके तैयार कर रही हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ से एजेस को आपको हाथों से प्रेस करते हुए दबाते हुए इसके टिक्के तैयार करने हैं। तो यहाँ पर सारे टिक्के रेडी हो चुके हैं। तो कुछ तो मैं अभी यहाँ पर फ्राई कर करके यहाँ पर बनाऊंगी और कुछ पीसेस मैंने यहाँ पर बॉक्स में रख दिए हैं। आप देख सकते हैं इसका शेप बहुत ही बढ़िया है। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने इसको बिल्कुल परफेक्ट टिक्का शेप दिया हुआ है और कुछ मैंने यहाँ पर बॉक्स में रखे हुए हैं। इसे मैं स्टोर करके फ्रीज़र में डाल दूंगी। तो आप इसको एक महीने तक फ्रीज़र में डाल करके कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल को मीडियम हॉट करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम कर देंगे यहाँ पर लो टू मीडियम और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं इसे फ्राई करने में। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है यहाँ पर। तो मैं सारे टिक्के यहाँ पर निकाल लूँगी और इसी तरीके से सारे टिक्कों को हम फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जिससे जो टिक्के हैं वो बाहर से क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से बहुत ही बढ़िया तरीके से पक जाएंगे, अच्छे से फ्राई रहेंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रखिएगा। तो ये यहाँ पर हमारे सारे टिक्के रेडी हो चुके हैं। तो मैं इसे यहाँ पर प्लेट पे निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं ना, एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने इसे सर्व किया है यहाँ पर ग्रीन चटनी के साथ। एकदम यूनिक रेसिपी है और खाने में बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त टेस्ट देगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी बना हुआ है बाहर से और अंदर से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बना हुआ है। तो मिलती हूँ आपको नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।